हेलो एवरीवन, मैं हूं अनामिका और स्वागत है आपका एंजॉय और बागवानी में। आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में बात करूंगी जो कि अभी आप फरवरी और मार्च में बहुत ही आसानी से कटिंग से लगा सकते हैं। सारे प्लांट्स इंडोर हैं जो कि कम धूप में चलते हैं, तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से प्लांट्स हैं जो कि आप बहुत ही आसानी से फरवरी मार्च में कटिंग से लगा सकते हैं। वैसे तो कटिंग लगाने का कोई सीज़न नहीं होता है और आप सालों भर कटिंग लगा सकते हैं, एक्सट्रीम जो होता है समर को छोड़ के और एक्सट्रीम विंटर्स को छोड़ के आप सालों भर कहीं भी कटिंग लगा सकते हैं। और कटिंग लगाने के लिए आपको बस 3-4 पॉइंट का बहुत ज़रूरी ध्यान देना पड़ता है, जो कि है सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि आपको सॉइल जो लेना है उसमें एकदम फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करना है। बस 80% सैंड में आप गार्डन सॉइल मिला दीजिए 20% और उसमें लगाइए। जो आपकी कटिंग है वो पेंसिल के नाप की होनी चाहिए, ज़्यादा सॉफ्ट कटिंग भी नहीं लेनी है आपको और ज़्यादा हार्ड कटिंग भी नहीं लेनी है, ओल्ड कटिंग भी नहीं लेनी है, पेंसिल के नाप की, जैसे कि इतनी थिकनेस की आपको कटिंग ले लेनी है, उसको लगानी है। और कटिंग लगाने के बाद उसको कभी भी आप धूप में मत रखिए, उसको डार्क एरिया में रखिए जहाँ पर कि थोड़ी सी छन छन के आपको धूप आती रहे। और जब तक कि कटिंग फुल ग्रो नहीं हो जाती है तब तक आपको उसको छाया में ही रखनी है, जब तक कि उसमें नए ब्रांचेस नहीं निकल जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी इंडोर प्लांट्स हैं जो कि आप बहुत ही आसानी से अभी फरवरी मार्च में कटिंग के थ्रू लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, तो जो पहला प्लांट जो कि आप कटिंग से लगा सकते हैं और बहुत कम धूप में चलता है वो है सॉन्ग ऑफ इंडिया, जो कि एक ट्रेसना की वैरायटी है। और ये देखिए, ये मैंने कटिंग से लगाया हुआ है और आप इसकी देखिए वुड जो है हार्ड वुड है, सॉफ्ट वुड बिल्कुल नहीं है। जितनी हार्ड वुड रहेगी वो उतनी ही अच्छे से लग जाएगी। तो ये देखिए कटिंग मैंने लगाया हुआ है और मेरी कटिंग जो है सक्सेसफुल हो गई है। और ये जो है बहुत कम धूप में बहुत कम केयर करने वाला पौधा है, तो इसकी कटिंग आप बहुत ही आसानी से फरवरी मार्च में लगा सकते हैं। सेकंड पौधा है वो है डायफेनबेकिया, और डायफेनबेकिया भी बहुत ही आसानी से अभी कटिंग के थ्रू लग जाती है। समर्स जो होता है इसके प्रोपिगेशन का बेस्ट समय होता है, तो अभी स्प्रिंग सीजन आ गया है। आपको ऐसी छोटी छोटी सी साइड ब्रांचेस से कहीं भी नर्सरी पार्क से या फ्रेंड्स के घर मिल जाएंगे तो उसको आप लेके आइए और देखिए ऐसी छोटी सी कटिंग लगा दीजिए और ये बहुत ही आसानी से कटिंग से लगने वाला पौधा है, तो इसे भी आप फरवरी मार्च में कटिंग से लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, तो जो थर्ड पौधा जो कि आप बहुत ही आसानी से कटिंग के थ्रू लगा सकते हैं और सबका फेवरेट है वो है मनी प्लांट। मनी प्लांट बड़े सारे वैरायटीज़ के होते हैं, जैसे कि ये नियॉन पोथोस है, ये है नॉर्मल पोथोस और उसके साथ मार्बल पोथोस या फिर इंजॉय पोथोस भी आता है। इसकी भी कटिंग अभी बहुत आसानी से लग जाती है। आपको करना क्या है, ये जो नूडल जो पोर्सन है उसको लेना है और यहाँ से कटिंग करके नोट्स को आपको जहाँ पर हर जगह आपको रूट्स दिखाई देंगी उसको आपको जो है भुरभुरी मिट्टी जो सॉइल मैंने बताया उसमें लगा देनी है और ये भी बहुत आसानी से लग जाती है, जो कि कम धूप में बहुत अच्छा चलता है। फ्रेंड्स, तो जो हमारा नेक्स्ट पौधा है वो तो एक फ्लावरिंग प्लांट है, वैसे तो एक फ्लावरिंग प्लांट है, उसके साथ इसकी लीव्स भी इतनी ज़्यादा खूबसूरत होती हैं कि ये आप फॉलेज के लिए भी इसको आप लगा सकते हैं और इंडोर्स में बहुत अच्छे चलती हैं। विंटर्स में अप्रैल तक ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करती है, बंचेस में फ्लावरिंग करती हैं, छोटे से पॉट्स में लगा सकते हैं। और ये है बिगुनिया, तो बिगुनिया को भी आप कटिंग से बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं और एक परेनियल प्लांट है जो कि कटिंग से बहुत अच्छे से लग जाती हैं और इसकी लीव्स भी बहुत सुंदर होती हैं, तो इसकी भी आपको एक छोटी सी कटिंग लेनी है। इसकी तो आपको छोटी सी कटिंग, इसके लिए हार्डवुड सॉफ्टवुड की ज़रूरत नहीं है, छोटी सी कटिंग लेनी है और इसको आपको सैंडल सॉइल में लगा देना और बहुत आसानी से ये चलने वाला प्लांट है, जो कि कम धूप में भी अपने फॉलेज के लिए और फ्लावरिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। फ्रेंड्स, तो जो नेक्स्ट पौधा देख रहे हैं ये मैंने कटिंग से लगाया हुआ है और ये हम सब का बहुत ही फेवरेट पौधा है, ये है सिंगोनियम, जो कि बड़े सारे वैरायटीज़ में आती है। ये है वाइट बटरफ्लाई जो कि मैंने कटिंग से लगाया हुआ है एक टूटे मग के अंदर, और ये देखिए आप इसमें मैंने सॉइल भी नहीं डाला है, ये सिंपल पानी में आपका चल रहा है और उसी के साथ इसने अपनी इतनी रूट ग्रोथ कर ली है कि ये ऐसे ही लग गया। तो इसको भी आप सिंगोनियम को भी बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं कटिंग के थ्रू।
फ्रेंड्स, तो जो नेक्स्ट पौधा जो कि आप कटिंग से लगा सकते हैं, और इसकी भी आप सॉफ्टवुड या फिर हार्डवुड कोई सी भी कटिंग लगा सकते हैं, बहुत आसानी से चलने वाला पौधा है और बहुत ही सुंदर लुक देता है, इंडोर्स के लिए बहुत अच्छा है, कम धूप में चलने वाला पौधा है, वो है अरेलिया। और ये बड़ी सारी वैरायटीज़ में आता है, तो इसको भी देखिए मैंने कटिंग से लगाया हुआ है और एक कटिंग मैंने लगाई थी यहाँ, और उसके साथ बहुत अच्छे से अब ये पौधा हमारा ग्रोथ कर रहा है। तो अरेलिया भी आप बहुत ही आसानी से कटिंग के थ्रू लगा सकते हैं फरवरी मार्च में, जबकि डोरमेंसी इन सबकी प्लांट्स जो अभी विंटर्स में डोरमेंसी में चले गए थे और अब जो है इनकी डोरमेंसी अब ख़त्म होने वाली है, तो आप अरेलिया को भी बहुत ही आसानी से कटिंग के थ्रू लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, तो जो नेक्स्ट प्लांट जो कि आप बहुत ही आसानी से कटिंग के थ्रू लगा सकते हैं, वंस अगेन इट इज़ एन इंडोर प्लांट, दिस इज़ फाइकस। फाइकस की बहुत सारी वैरायटीज़ आती है और ये फाइकस जो है फाइकस बेंजामिन है और इसकी जो है एरियल रूट्स भी निकली रहती है, तो इसको भी आप बहुत ही आसानी से कटिंग के थ्रू लगा सकते हैं। और ये एक एयर प्योरीफायर प्लांट है जो कि एयर को प्योरीफाई करता है, और इसकी भी कटिंग जो है सॉफ्ट कटिंग भी चल जाती है और हार्डवुड कटिंग भी चल जाती है, बट आप हार्डवुड कटिंग लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से ग्रोथ करता है। तो इसकी कटिंग आपने नहीं लगाई है तो इसे ज़रूर लगा लीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा एयर प्योरीफायर प्लांट है और आपके घर को एक ग्रीन लुक देता है। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट प्लांट जो कि आप कटिंग से अभी फरवरी मार्च में लगा सकते हैं, वो फिर वंस अगेन एक ड्रेसना की वैरायटी है, जिसे कि ड्रेसना रूबी, माइसोर रूबी भी बोला जाता है, और ये बहुत ही सुंदर फॉलेज है इसकी, और ये आपके गार्डन में फ्लावर के सिवा कलर ऐड करता है, बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग करता है, बहुत सुंदर इसकी फॉलेज है कि आपको फ्लावर्स की ज़रूरत नहीं है अपने गार्डन में, बहुत सुंदर दिखता है, इसकी कलर देखिए बहुत ही ज़्यादा प्रिटी होती है। तो इसकी भी आप कटिंग बहुत आसानी से लगा सकते हो, और इसकी भी आपको हार्डवुड कटिंग लेनी है, देखिए इस टाइप की कुछ आपको पेंसिल के नाप की कटिंग लेनी है और आप लगा दीजिए और ये बहुत ही आसानी से अब लग जाएगा। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट प्लांट जो कि आप अगेन कटिंग से लगा सकते हैं और वंस अगेन एक बहुत ही प्यारा इंडोर एयर प्योरीफाइंग प्लांट है, इंडोर्स भी चलता है आउटडोर्स भी चलता है, ये सर्वाइव हो जाता है एकदम एक्सट्रीम क्लाइमेट में भी, चाहे ये विंटर्स हो चाहे ये समर्स हो। तो समर्स में इसका बेस्ट प्रोपिगेशन टाइम है, ये है ड्रेसिना की वैरायटी, ये है ड्रेसिना मार्जिनाटा, तो इसको भी आप बहुत ही आसानी से कटिंग के थ्रू लगा सकते हैं। और ये कटिंग जो है आप अगर यहाँ से कर देंगे तो इसकी फिर से नई नई ब्रांचेस निकलने चालू हो जाएगी, तो आपने अभी तक ड्रेसिना को नहीं लगाया तो इसको ज़रूर लगाइए। ये ज़ीरो मेंटेनेंस प्लांट होते हैं जिसे कि केयर की एकदम ज़रूरत नहीं होती है, आपके एयर को प्योरीफाई करता है, साथ में आपके घर में ग्रीनरी ऐड करता है। फ्रेंड्स, तो जो नेक्स्ट पौधा जो कि आप कटिंग से बहुत ही ज़्यादा आसानी से लगा सकते हैं और इसका बेस्ट टाइम आ गया है अब ग्रोथ का, विंटर्स में डोरमेंसी में चला जाता है, और ये बहुत ही ज़्यादा लकी प्लांट है, इसे मनी प्लांट, मनी ट्री या फिर लकी प्लांट भी बोला जाता है, वो है जेड प्लांट। और इसकी कटिंग मैंने बहुत सारी लगा के रखी हुई है और बहुत ही आसानी से इसकी कटिंग लग जाती है, बस इसको आपको सैंडी सॉइल देना है, जिसमें कि जो कैक्टस के लिए जो यूज़ होता है कैक्टस मिक्स देना है, क्योंकि ये सकलेंट है, और इसको आपको फुल सन में रख देना है। बट कटिंग लगाने के लिए एक रिक्वायरमेंट है जो मैंने बताई, कटिंग लगाने के बाद एक दो सप्ताह तक, जबकि न्यू ग्रीथ आपको नहीं दिखाई दे देती है, तब तक आपको इसको सेडी प्लेस में रखना है। तो जेड प्लांट भी आप लगा सकते हैं अपने घर में बहुत ही आसानी से, जो कि एक लकी और वास्तु के लिए सुपर प्लांट माना जाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्लांट जो कि एक इंडोर बहुत ही सुंदर प्रिटी प्लांट होता है, वो है पर्पल हर्ट। इसको देखिए मैंने कटिंग से लगाया हुआ है और ये कटिंग मुझे लगता है 1 वीक की ही है बस, और ये बहुत ही आसानी से कटिंग के थ्रू लगता है और इसकी फॉलेज बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती है, तो इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं लगाने के लिए। और इंडोर्स में इसकी कलर बहुत अच्छे से खिल के आती है, मेरा तो धूप में रखा हुआ है, और इसको भी आप बहुत ही आसानी से अभी कटिंग के थ्रू लगा सकते हैं। तो आपने पर्पल हर्ट अभी तक नहीं लगाया है तो उसे लगा लीजिए, इसमें बहुत प्रिटी से फ्लावर आते हैं, तो पर्पल हर्ट भी आप लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट प्लांट जो कि आप इंडोर रख सकते हैं, और वंस अगेन ये एक एयर प्योरीफायर प्लांट है, वो है कैलेंचो, जो कि अपनी फॉलेज के लिए जितनी ज़्यादा सुंदर है उतनी ज़्यादा इसकी फ्लावरिंग होती है। फ्लावरिंग इसकी विंटर्स में स्टार्ट होती है और ये अप्रैल जून तक बहुत ही आसानी से चल जाती है, और इसकी कटिंग जो है लीफ के थ्रू भी प्रोपोगेट हो जाती है, या फिर कटिंग के थ्रू भी आपको छोटी छोटी सी ऐसी कटिंग लेनी है, या फिर लीफ के थ्रू भी, मेरी वीडियो से आप देख सकते हैं। ये भी एक इंडोर प्लांट है और कम धूप में
बहुत अच्छे से चलने वाला प्लांट है, तो इसकी भी आपने कटिंग नहीं लगाई है तो आप लगा सकते हो। और ये बहुत सुंदर प्लांट है और मेरा पर्सनल फेवरेट है, तो इसकी कटिंग आपने नहीं लगाई है तो इसको ज़रूर लगा लीजिए और ये बहुत आसानी से कटिंग आपकी चल जाएगी। फ्रेंड्स, तो जो नेक्स्ट प्लांट जो कि बहुत ही आसानी से कटिंग के थ्रू लगती है और आपके गार्डन को ग्रीनरी ऐड करती है और एकदम कम धूप में चलने वाला पौधा है, वो है बेबी टीयर्स। बेबी टीयर्स आपने अभी तक नहीं लगाया है तो इसको ज़रूर लगा लीजिए, क्योंकि ये बेदम ग्रीनरी देता है अपने गार्डन में और ये हैंगिंग्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो ये जो कटिंग है बहुत आसानी से चलने वाला है, इसके लिए भी आपको कोई केयर की जरूरत नहीं है, जैसी भी मिट्टी मिले उसमें डाल दीजिए आप, तो ये बहुत आसानी से कटिंग के थ्रू प्रोपेगेट हो जाता है। तो इसे आपने नहीं लगाया तो इसे ज़रूर लगा लीजिए। नेक्स्ट प्लांट जो कि कटिंग के थ्रू बहुत ही आसानी से लग जाती है और ये हैंगिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा प्यारा प्लांट है और एकदम स्ट्रिंग की तरह ये लटकी रहती है और बहुत डेलिकेट सा प्लांट है, वो है ट्रायंगल हर्ड। और इसकी लीव बहुत ही ज़्यादा चमकीली होती है, तो इसे आपने नहीं लगाया तो कहीं से भी इसकी छोटी सी कटिंग, एकदम छोटी सी 1 इंच की भी कटिंग आप ला के मिट्टी में लगा दीजिए, वो बहुत ही आसानी से चलने वाला प्लांट है। तो बहुत ही प्यारा प्लांट है, इसको आप ज़रूर लगाइए, हैंगिंग आपको पसंद है तो ट्रायंगल हर्ड आपको ज़रूर लगाना चाहिए। फ्रेंड्स, तो जो नेक्स्ट प्लांट जो कि आपको कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाती है और बहुत प्रीटी कलर आपके गार्डन में ऐड करता है और डोरमेंसी इसका, अभी विंटर जो था डोरमेंसी पीरियड था, अब गर्मियों में बहुत शानदार अपने फॉलेज में आने वाला है, वो है वैंडरिंग ज्यू। तो वैंडरिंग ज्यू आपने नहीं लगाया तो उसको ज़रूर लगा लीजिए, और बहुत ही आसानी से इसके 1 इंच कटिंग, कहीं से भी छोटी सी कटिंग लगा लीजिए आप, बहुत आसानी से चलने वाला प्लांट है और हर नोड्स पे इसके रूट्स निकलती हैं, फाइबर रूट्स, उसे आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो आपने अभी तक ये सब कटिंग नहीं लगाई तो बहुत आसानी से कटिंग लगा लीजिए। तो आई होप आज की वीडियो जो है आपको अच्छी लगी होगी और गार्डनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप ये सब कटिंग से स्टार्ट कर सकते हैं और इंडोर्स में कम धूप में भी चलता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक सर, तब तक के थैंक यू, बाय।